बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बदनाम बिल्डर यजदान ने फिर दर्द दिया। यजदान ने फिर एक बार लोगों को दर्द दिया। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कल रात बड़ा हादसा हुआ था। असुरक्षित तरीके से बिल्डिंग बनाकर फ्लैट बेचे। सिर्फ 9 इंच के पिलर पर इमारत बनाई गई। यजदान बिल्डर माफिया और बदमाश प्रवृत्ति का है। लखनऊ में यजदान बिल्डर की कई गैर कानूनी इमारतें। एलडीओ और पुलिस के संरक्षण में यजदान बिल्डर फला फूला है। लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर थापा हमसे जुड़ेंगे। सागर, लखनऊ के हजरतगंज में कल बड़ा हादसा हुआ था। 5 मंजिला इमारत गिरी थी, कई लोग घायल हुए थे। अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? कल देर रात की एक घटना थी और यहाँ पे एक आलिया अपार्टमेंट है हजरतगंज में, उसमें एक हादसा हो जाता है। जो बिल्डिंग है 5 मंजिला इमारत, वो देखते ही देखते पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो जाती है। उसके बाद से वहाँ पर स्थानीय पुलिस पहुँचती है, फिर मौके से दमकल की गाड़ियाँ पहुँचती है। और देखते देखते लखनऊ की सबसे बड़ी खबर और अब तक की सबसे बड़ी जो इमारत है कहिए तो जो मलबे में जो तब्दील हुई वो कहा जाएगा। और देखने के बाद उसके बाद वहाँ पर DM पहुँचते हैं, मंडल आयुक्त रोशन जैकब भी पहुँचती हैं, CP पहुँचते हैं, जॉइंट CP पहुँचते हैं, जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं जिन्हें ज़िले की जिम्मेदारी वो वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद से बचाव कार्य जारी किया जाता है, जहाँ पर SDRF की टीम, NDRF की टीम पहुँचती है। और साथ साथ लगभग अभी तक बता दूँ आपको कि 14 लोग को वहाँ पर रेस्क्यू करके निकाल दिया गया है। और यहाँ पर 30 से 35 लोग रहते थे परिवार के साथ। और कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बिल्डिंग थी आलिया अपार्टमेंट, ये शाहिद मंजूर की बिल्डिंग थी, जिसके बेटे को नवाजिश के नाम पर थी। नवाजिश को देर रात मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे बड़ी कड़ी सुरक्षा में लखनऊ भेजा गया। और साफ साफ जो DM है उनके आदेश हैं कि जो भी दोषी है उसके ऊपर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जो बचाव कार्य अभी तक जारी है, 15 घंटे हो गए, देखने वाली बात ये है कि वहीं रोशन जैकब का साफ साफ बयान आया है कि जो यजदान बिल्डर हैं जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई उसके खिलाफ FIR की जाएगी और जो जिम्मेदार लोग हैं इस हादसे के पीछे उन्हें किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा, पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक फिलहाल बचाव कार्य जारी है और जो लोगों को निकाला जा रहा है, 14 से 15 लोग निकल चुके हैं और अभी भी 3 लोगों की फंसे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। क्योंकि तो सागर जो 3 लोग अभी तक फंसे हुए हैं वहाँ पर, अभी तक 3 लोग फंसे हुए हैं और देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, तो कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है उनको इस तरह बाहर निकालना? देखिए, चुनौती तो है ही प्रशासन के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा ये माना जा रहा है। 5 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें से 3 लेयर को काट दिया गया है और जो 3 लोग फंसे हैं अभी तक, आंकड़ों में तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग जो फंसे हैं उनसे लगातार प्रशासन और उनका जो परिवार है वो संपर्क कर रहा है। और देखने वाली बात यह है कि कल रात 20 से ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए थे और 25-30 एम्बुलेंस थी, JCB मशीन थी, तमाम जो सुरक्षा के उपकरण थे वहाँ पे मौजूद थे। तो देखा जाए कि पूरी तरह से वहाँ पे मुस्तैद है और एक युद्ध की तरह से वहाँ पर जो है आर्मी से लेकर जो SDRF की टीम है और NDRF की टीम है, प्रशासन के जो बड़े आला अधिकारी वो भी मौजूद हैं। और देर रात ब्रजेश पाठक भी वहाँ पहुँचे थे और सिविल भी पहुँचे अभी सुबह सुबह, और CMO जो मनोज अग्रवाल है उन्होंने भी सिविल अस्पताल पहुँच के वहाँ का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को देखी। और CM योगी के साफ साफ निर्देश हैं कि जो भी घायल है उनके इलाज में कोई भी कोताही ना बरती जाए। वहीं बात करूँ कि राजनाथ सिंह का भी एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने जो वहाँ पे मलबे में दबे लोग हैं उनकी सुरक्षा की कामना की है। बहुत ही बेहतर तरीके से प्रशासन कार्य कर रहा है, उनका तारीफ भी की है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि अभी भी बचाव कार्य कुछ घंटे और चल सकता है। और वहाँ पर कल रात से जब से ये हादसा हुआ है तब से बड़े जो आला अधिकारी हैं, रोशन जैकब हो गए जो मंडल आयुक्त हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और जो DM हैं वहाँ पर सब मौजूद हैं, सब बचाव कार्य में लगे हुए, निर्देश दे रहे हैं टीम को कि इस तरह से कार्य किया जाए तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन सफल होता नजर आ रहा है। हालांकि कैजुअल्टीज़ की बात करें तो इसमें भी आंकड़े कोई स्पष्ट नहीं आ रहे हैं,
क्योंकि वहीं जो डीजीपी है उनका साफ साफ बयान आ रहा है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की जुगत में कार्य कर रही है टीम। तो कहीं ना कहीं अभी तक देखने वाली बात है कि जो आंकड़े अभी तक बात करूं तो 14 से 15 लोगों को निकाल लिया गया है। अब देखना ये स्पष्ट होगा कि अभी और कितने लोग बचे हैं। जी सागर, इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? कहा जा रहा है बेसमेंट में ड्रिलिंग हो रही थी, सिलेंडर फटने की भी बात सामने आई, बिल्डिंग भी पुरानी थी, क्या कुछ वजह सामने आई है? देखिए, ये 5 मंजिला इमारत थी और ये कहीं ना कहीं जो नगर निगम से भी जो पास की गई थी और एनडीए के सूत्रों से पता चला है कि इसका नक्शा जो है बिल्कुल तरह से पास नहीं था। तो इसमें बेसमेंट में खुदाई चल रही थी और 9-9 इंच की दीवारें रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो है जो बिल्डर्स हैं और तमाम जो लोग हैं जो मालिक हैं इसके जो नवाजिश हैं उन्होंने लोगों की सुरक्षा को एकदम ताक पे रखा और बगैर किसी प्रशासन की मदद लिए, चाहे वो फायर विभाग हो, चाहे एलडीए हो, चाहे तमाम लोग हों, उनकी मदद से ना ही कोई एनओसी ली। अब देखनी ये होगा कि नवाजिश को हिरासत में लेकर पुलिस अब क्या कार्य करती है और जायजदान बिल्डर पे क्या कार्रवाई करती है। जी सागर, इस हादसे में जितने लोग घायल हुए थे उन्हें मौके पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी स्थिति अभी कैसी बनी हुई है, कितनी उन्हें चोटें आई थी? देखिए, कुल मिला के बता दूं कि अभी जो हादसे में जो लोग थे उन्हें राती में लगातार बचाव कार्य करते हुए लाया गया था। फिलहाल अभी उनकी स्थिति जो है स्थिर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है और वहां पर सीएमओ भी मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं और तमाम लोग जो हैं, और साफ साफ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इलाज में कोई भी कोताही ना बरती जाए। और ये भी बता दूं कि हर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में बेड को रिजर्व कर दिया गया है कि कभी भी आपात स्थिति हो सकती है। तो उस स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और मुझे लगता है कि ये बचाव कार्य बहुत ही जल्दी खत्म होगा और प्रशासन को एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।